अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाफिज़ सज्जाद असलम इस्लामियात लाजमी के सातवें लेक्चर के सिलसिले में आपसे मुखातिब है। बुनियादी अकायद का टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने चंद बुनियादी अकायद के बारे में बात की। आज हम जिस बुनियादी अकीदे के बारे में बात करेंगे वो है ईमान बिल मलाइका, यानी कि फरिश्तों पर ईमान लाना। ईमान बिल मलाइका से जो ये अकीदा है, ये ईमान बिल मलाइका से मुराद फरिश्तों पर ईमान लाना है। मलाइका जो है वो लफ्ज़ मलिक की जमा है, मलाइका जमा है और मलिक वाहिद है, जिसके लुगवी माने हैं कासिद, पैगाम पहुंचाने वाला, कासिद के और पैगाम पहुंचाने वाले के। कुरान पाक में फरिश्तों के लिए एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल हुआ है और वह है रसूल का, जिसका माना भी कासिद है, रसूल के माने और पैगाम पहुंचाने वाला। तो फरिश्ते के ज़रिए अल्लाह पाक जो अपना पैगाम है वो अपने बरगुजीदा बंदे जो चुने हुए हैं, वो जो अम्बिया हैं, उन तक पहुंचाया करते थे। फिर आगे जो अम्बिया हैं वो अपनी अपनी उम्मत के आगे पैगाम पहुंचाया करते थे। तो फरिश्तों पर ईमान लाना कि अल्लाह पाक ने उनको नूर से पैदा किया है, अल्लाह पाक की नूरी मखलूक हैं, वो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करते, और जो ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने उनके ऊपर लगाई हुई है वो उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि अल्लाह उन्हें जो हुक्म देता है वो फरिश्ते उसकी नाफरमानी नहीं करते, और जिस काम का उन्हें हुक्म नहीं दिया जा हुक्म दिया जाता है उस पर अमल करते हैं, यानी कि अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी भी नहीं करते। वयफअलून मा युमरून, और जिसको जिस काम का उनको हुक्म दिया जाता है वो अच्छे तरीके से सरंजाम देते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में फरिश्तों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वल किताब वल मलाइकति वल किताब वल नबियीन, कि नेकी तो ये है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर और किताबों पर और पैगंबरों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखरत के दिन पर। तो मुसलमान होने के नाते हमारा ये अकीदा है कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करते, और अल्लाह पाक जिस काम का उन्हें हुक्म देते हैं उसको वो अच्छे तरीके से सरंजाम देते हैं। अब जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनके अंदर जो फरिश्तों के बारे में मुख्तलिफ किस्म के और अजीब व गरीब नज़रियात पाए जाते हैं, जैसे मुशरिकीन मक्का जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहा करते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ करार देते थे। अल्लाह पाक फरमाते हैं लम यलिद व लम यूलद, कि ना वो जना क्या ना उसने किसी को जना। तो ये अकीदा बातिल है कि मुशरिकीन मक्का जो ये अकीदा रखते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं, ये अकीदा बातिल है। ईसाई हजरात जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का लाजमी जुज़ समझते हैं, जुज़्वे ला यन्फक, के ख़त्म ना होने वाला जुज़्वे ला यन्फक। जिस तरह देखें हमारा ये पूरा जिस्म है, इसका एक एक जो उज़्व है वो हमारे जिस्म के मुकम्मल होने के लिए लाजमी है। अगर किसी का कोई हाथ ना हो, किसी की आँख ना हो, तो उसमें वो ऐब पैदा हो जाता है, उसमें वो नुक्स, उसमें वो कमी आ जाती है। जैसे हम जिसका हाथ ना हो, हाथ कटा, उसको हम टूंडा कह देते हैं, आँख जिसकी एक ना हो उसको हम काना कह देते हैं, अगर कोई कान से, एक कान से या दोनों कानों से नहीं सुन सकता उसको हम बहरा या बोला कह देते हैं। ठीक है, अगर उसकी टांग नहीं है तो उसको हम लंगड़ा या लूला भी कह देते हैं, तो उसमें कमी आ गई। तो कल क़यामत के दिन जब सारी जो मखलूक है, कायनात है, ये फना हो जाएगी, फरिश्ते भी सारे के सारे फना हो जाएंगे, तो अगर ईसाइयों का ये अकीदा दुरुस्त मान लिया जाए कि हज़रत जिब्राइल जो है वो अल्लाह पाक के लाजमी जुज़ हैं, तो नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला, कल क़यामत के दिन जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी फना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक कि अल्लाह के जो अल्लाह पाक का जो वजूद है उसमें कोई कमी आ गई। लेकिन हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, ये हमारे अकीदे के बिल्कुल उल्ट है। अल्लाह पाक हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, उसमें कोई कमी कोई ज़्यादती नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज़ फना होने वाली है और
बाकी रहने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। तो ईसाइयों का ये अकीदा बातिल है, दुरुस्त नहीं है, गलत है, ठीक है। और कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी जो फरिश्ते हैं वो जिस तरह अल्लाह पाक एक मुस्तकिल ताकत है, इस तरह फरिश्ते भी एक मुस्तकिल ताकत है, वो किसी के मातहत नहीं है। ये भी गलत है। फरिश्ते मखलूक है, नूरी मखलूक है, अल्लाह पाक ने उनको पैदा किया है, तो वो अल्लाह के हुक्मों के ताबे है, वो उनकी अपनी कोई जो है वो ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनके अंदर ख्वाहिश का मादा ही नहीं रखा। तो ये चंद मज़ाहिब के बारे में हमने बात की कि चंद जो मज़ाहिब हैं उनके जो अकायद और रिश्तों के बारे में वो क्या हैं। तो अब चंद मशहूर जो फरिश्ते हैं बड़े, उनके बारे में हम बात करते हैं कि जिनका हमें जिक्र जो है कुरान और हदीस से मिलता है। चार बड़े बड़े मशहूर फरिश्ते हैं, और फरिश्तों के सरदार जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। इनकी जो ड्यूटी थी वो ये थी कि अंबिया तक ये अल्लाह का पैगाम यानी वही लेकर आया करते थे। इसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, इनका जो काम है, इनकी जो ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई हुई है वो बारिश बरसाना और मखलूक तक रोज़ी को पहुँचाना है। नंबर तीन पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं, इनकी ड्यूटी जो अल्लाह पाक ने लगाई हुई है ये लोगों की रूह को कब्ज़ करते हैं। और नंबर चार हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम है कि जिनकी एक ही ड्यूटी है, जब से अल्लाह पाक ने उनको पैदा किया है उनका एक ही काम है, वो एक आला है, किस तरह का है इसका हमें नहीं पता, लेकिन एक आला है जिसको सूर साद के साथ ये बोला जाता है कि वो लेकर बैठे हुए हैं कि कब अल्लाह का हुक्म हो और मैं इसमें फूंक मारूँ तो सारी दुनिया जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगी। आगे नंबर पाँच में किरामन कातबीन है, हमारे दोनों जो कंधे हैं उनके दाएं बाएं जो बैठे होते हैं, दायां वाला जो है वो निकियां लिखता है और बायां वाला जो है वो हम जो बुराई करते हैं वो लिखता है, इनको हम किरामन कातबीन कहते हैं। किरामन कातबीन के इज्जत वाले हैं, उस वो अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं लिखते, लिखते हैं तो अमानतदारी से लिखते हैं। नंबर छः पे मुनकर नकीर है, ये दो फरिश्ते हैं जो कब्र में इंसान का हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे, तो जैसे ही रूह होगी वैसे फरिश्ते होंगे, अगर नेक रूह हुई तो उसके जो फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर हिसाब किताब लेने वो बड़े खूबसूरत होंगे, खुशबुएँ आ रही होंगी। अगर कोई बदकिरदार और बदरू यानी कि गुनहगार किस्म का इंसान जब कब्र में रखा जाता है तो उसका जो हिसाब किताब लेने के लिए मुनकर नकीर आते हैं वो बड़े खौफनाक किस्म की शक्ल के होते हैं। नंबर सात पर रिजवान है, रिजवान कहते हैं जी जन्नत का दरोगा, ये जो जन्नत का इंतज़ाम इंसराफ है उसको संभालने का, उसको देखभाल उसकी देखभाल करने के लिए जो फरिश्ता अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया है उसका नाम रिजवान है। एक और मशहूर फरिश्ता जिसको जहन्नम का दरोगा कहते हैं उसका नाम मालिक है, कि ये जहन्नम का ये सरदार फरिश्ता है जो जहन्नम का इंतज़ाम देखने वाला है, इसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई। ये जितने भी ये सात आठ फरिश्तों के तज़किरा हमने किया ये मशहूर फरिश्ते हैं, इसके अलावा भी और बहुत बहुत सारे फरिश्ते हैं कि हम उनकी सही तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कि अल्लाह पाक ने हर रोज़ ये जो हर बैतुल्ला है जिस तरह लोग यहाँ जाकर अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह बैतुल मामूर है 70,000 फरिश्ते रोज़ाना जो हैं उसका तवाफ़ करते हैं, और एक मरतबा जो ग्रोह तवाफ़ कर लेता है उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। तो फरिश्तों की तादाद जो है वो ला महदूद है, वो गिन नहीं सकते, लेकिन हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक वो अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करते, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनके अंदर जो है वो गुनाह का मादा या ख्वाहिश का मादा रखा ही नहीं है, अल्लाह पाक के हुक्मों की बिल्कुल भी नाफरमानी नहीं करते, ठीक है। और इसके जो असरात हैं, चंद जो फरिश्तों पर ईमान लाने के जो असरात हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर क्या मुरतब होते हैं, कि फरिश्तों पर ईमान लाने से अकीदा तौहीद और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और शिर्क का खात्मा हो जाता है, इंसान के दिल में नेक अमाल करने का जज्बा पैदा होता है और वो बुराई से नफरत करने लग जाता है, इंसान को अपनी बरतरी और अज़मत का एहसास होता है कि वो मसूद मलाइक है, कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया बनाया गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और वो अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से पूरे करता है, और वो अल्लाह की जो कामिल मदद और नुसरत होती है वो उस पर यकीन रखता है। आज के इस लेक्चर में हमने फरिश्तों के बारे में जो हमारे अकायद थे और दूसरे मज़ाहब के अकायद थे उसके बारे में गुफ्तगू की, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक जो है वो हमारे इस कहे सुने को कबूल मंजूर फरमाएँ और हमारे
इस अमल को बरकत का ज़रिया बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।